बठिंडा और मानसा में कपास किसानों की मुसीबतें हैं जो कम होने का नाम नहीं ले रही। दरअसल जिले के किसानों का कहना है कि वो पहले से ही पिंक बॉल वर्म के हमले से हुए नुकसान का सामना कर रहे हैं और खराब मौसम अब उन्हें और प्रभावित करेगा। आपको बता दें कि कपास और धान राज्य के दक्षिणी क्षेत्र के 7 जिलों में बोई जाने वाली प्रमुख खरीफ फसलें हैं और अभी कपास की कटाई का काम चल रहा है, जबकि मालवा में धान की कटाई अभी बाकी है और वहीं पिंक बॉल वर्म के हमले ने कपास की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। अब खरीफ फसलों के लिए बारिश अवांछनीय है क्योंकि धान और कपास फसल के लिए तैयार हैं। किसानों का कहना है कि अगर अब मौसम खराब होता है तो किसानों के लिए दोहरी मार होगी क्योंकि पिंक बॉल वर्म के हमले ने फसल को पहले ही नुकसान पहुंचा दिया है। ऐसे में अगर कपास और धान की कटाई में देरी होती है तो सीधा इसका असर गेहूँ की बुआई पर भी पड़ेगा, यानी अब मौसम का खराब होना किसानों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।